प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के चलते हजारों की संख्या में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर हैं और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। इंदौर में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की। बता दें कि इस हड़ताल के कारण पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के कई तरह के काम प्रभावित हुए हैं। इस बारे में कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी का निजीकरण हो रहा है, पेंशन में भी कई तरह की विसंगतियां हो रही हैं। इसको लेकर कई बार सरकार से बात की लेकिन सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया है। अतः इन्हीं सब बातों के चलते पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के तकरीबन 5,000 अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर बैठे और यदि इस हड़ताल का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। आज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसका जो है विरोध करने के लिए सभी कर्मचारी जो है सड़क पर आ गए हैं, कर्मचारी अधिकारी। और जो सरकार अगर नीतियाँ ये लाने का प्रयास करती है और इसको लागू करती है, प्राइवेटाइजेशन में देने का प्रयास करती है पावर सेक्टर को, तो आज जो है समस्त पश्चिम क्षेत्र कंपनी और पूरे देश भर में जो समस्त ट्रेड यूनियन है वो सड़क पर आकर आंदोलन कर रही हैं। निश्चित ही इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।